हेलो गाइस वेलकम टू मिस्टेक हिंदी टार कैसे हो आप सब लोग आई होप आप सब लोग एकदम मज़े में हो खुश हो अपना ख्याल रख रहे हो मैंने जस्ट अभी एक चैट लाइक कह सकते हो कि मैं बात कर रही हूँ और आपको सिर्फ सुनना है ऐसी एक वीडियो डाली है सेल्फ लव के ऊपर जो आपको इम्पोर्टेंस समझा देगी कि खुद से प्यार करना कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है ठीक है मैं ऐसी वीडियोज़ और लाऊँगी अगर आप मुझे रिस्पॉन्स अच्छा दोगे तो सो so, uh, जल्दी से जाके वो वीडियो देखिएगा क्योंकि देखिए यार कोई भी रिश्ता निभाने से uh, पहले आपको खुद से प्यार करना आना चाहिए राइट और मैं ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और लाऊंगी उसमें मैं आपको आपके रिश्ते कैसे सुधारने हैं या फिर अगर आपके कोई सवाल है वो सवाल लेके मैं क्यू क्यों ए करूँगी ताकि आपको अपने रिश्तों पे कोई सोल्यूशन दे पाओ मैं ठीक है जनरल जनरल बातें करेंगे उसमें सो गाइज ए पिक कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं आज हम देखिए नेक्स्ट थ्री डेज आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या होने वाली है क्या एक्शन ले सकते हैं जनरल रीडिंग है ध्यान रखिएगा लेकिन पूरी वीडियो देखिएगा स्किप स्किप करके देखोगे तो क्या हो जाता है कि कुछ बातें जो आपकी सुनना ज़रूरी होता है लेकिन आप स्किप कर देते हो तो वो मिस हो जाता है राइट right? और फिर बाद में आके आप बोलते हो आपने जैसा बोला वो हुआ नहीं क्योंकि आपने वो गाइडेंस फॉलो नहीं किया जो मैं बता रही हूँ राइट चलिए लाइट कर लेते हैं कैंडल को नेक्स्ट थ्री डेज़ आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होगी आपको लेकर देख लेते हैं सी आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर नेक्स्ट थ्री डेज उनके एक्शंस क्या होने वाले हैं फोकस करिए अपने पर्सन पे। ओके okay. देखिए आपके पर्सन ना अगले तीन दिनों में अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करेंगे ठीक है अपने मन को प्रैक्टिकल रखने की कोशिश करेंगे जो भी ये करते हैं जो भी ये बोलते हैं उसमें आपको एक ऐसा फील होगा कि ये पर्सन प्रैक्टिकल सोच रहा है बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को आ, अपने अंदर से हटाने की कोशिश करेंगे ज़बरदस्ती ठीक है इनको ऐसा लगेगा कि ऐसे करने से वो आपको भूल जाएंगे ऐसा करने से वो आपसे आगे बढ़ जाएंगे लेकिन क्या होगा उसके उल्टा होगा जितना ये पर्सन आपसे भागने की कोशिश करेंगे जितना ये पर्सन प्रैक्टिकली सोचने की और एक्शंस लेने की कोशिश करेंगे उतना ही ये नेगेटिव सॉरी उतना ही ये इमोशंस की तरफ इमोशनल होने की तरफ इनका झुकाव रहेगा ठीक है ये अपनी फीलिंग्स से आपसे नहीं भाग पाएंगे दे विल ट्राई टू बड़े ही हार्डली uh, ये पर्सन ट्राई करेंगे आपसे भागना इस रिश्ते से भागना अपने फीलिंग्स को फील ना करना अपने इमोशंस ना शो करना लेकिन वो नहीं हो नहीं पाएगा इस पर्सन से ठीक है मुझे लगता है ये पर्सन कोई ऐसा एक्शन ले सकते हैं Uh, या फिर आपके लिए कुछ ऐसा सरप्राइजिंग सा कर सकते हैं जो आपको शॉक कर देगा ठीक है या तो इनके एक्शंस बहुत शॉकिंग हो सकते हैं सरप्राइजिंग हो सकते हैं मतलब आपने सपोज बहुत समय हो गया है महीनों महीनों हो गए इस पर्सन से बात हुए ना तो इनका कोई कॉल आया ना तो मैसेज आया <coughs> ना इन्होंने कभी आपको रिप्लाई किया तो अचानक से आउट ऑफ नो इनका कॉल आ सकता है अचानक से आउट ऑफ नोवेयर इनका मैसेज आ सकता है या फिर ये कोई गिफ्ट भेज सकते हैं आपको या कोई सरप्राइज प्लान कर सकते हैं जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा ठीक है <coughs> मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज्ड फील करेंगे ठीक है चाहे कोई एक्शन लेने के बारे में हो चाहे अपनी फीलिंग्स को लेकर हो थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे इनके अंदर दिखाई दे रहा है समझ नहीं पाएंगे कि कि एग्जैक्टली कोई फीलिंग क्यों फील कर है ये पर्सन ठीक है थोड़ा सा कंफ्यूज नजर नजर आ रहे हैं जल्दी से कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे इस कनेक्शन में लेकिन जैसे मैंने आपको बोला ये पर्सन अपने आप को प्रैक्टिकल रखने की कोशिश करेंगे कि नहीं दिल की नहीं सुननी है दिमाग की सुननी है यही करना है इतना ही बोलना है इतना ही करना है दूर रहना है बट ये सारी चीज़ें चीज़ों पर पानी फिर जाएगा और आखिर में ये पर्सन अपने दिल की बात सुनेंगे ठीक है जो इनका दिल इनको कहेगा जो इनके इमोशंस या इमोशनल साइड इनको कहेगी ये वही करेंगे मुझे इनके अंदर नेक्स्ट थ्री डेज में पछतावा दिख रहा है ये पर्सन काफ़ी पछताने वाली है जो भी इन्होंने आपके साथ किया है जो भी इन्होंने आपके साथ आ, <coughs> गलत डिसीजंस लिए हैं आपके साथ जो बर्ताव रहा है इनका उसको लेकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रिग्रेटफुल फील करेंगे इनको बहुत पछतावा होगा कि यार मैंने ऐसे क्यों कर दिया मैंने ये क्यों कर दिया मैंने ये क्यों, क्यों बोल दिया ये पछतावा मुझे इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है <coughs> अगले तीन दिन दिनों में इन्हें एक चीज़ रियलाइज होगी कि इन्होंने आज तक आपके साथ जो भी किया वो गलत किया ठीक है वैसा नहीं करना चाहिए था आपके साथ इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा गलत किया है आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है यही ये पर्सन फील करने वाले हैं अगले तीन दिनों में ठीक है और इनके डिसीजंस जो गलत थे जो भी गलत डिसीजंस इन्होंने लिए थे या सिर्फ अपने बारे में सोच के जो डिसीजंस लिए थे उसमें आप बदलाव देखोगे अब ये पर्सन जो भी डिसीजंस लेंगे आपके बारे में सोचकर इस रिश्ते के बारे में सोच कर वाले है। लेने वाले कोई मेजर डिसीजन लेने वाले ये पर्सन अगले तीन दिनों में जो आपके अच्छे के लिए होंगे और आप दोनों के रिश्ते के अच्छे के लिए होंगे बहुत ज्यादा इमोशनल फील करेंगे रो भी सकते हैं आपकी याद में आंसू बहाते हुए दिख रहे हैं मुझे ये पर्सन आपको यकीन नहीं होगा नो काफी लोग ऐसे होते हैं जो जिनको अगर ऐसा बोला जाए कि उनके पर्सन रोने वाले हैं तो उनको हंसी आ जाती है सुन के लेकिन दिस इज वॉट आई सी और आपके पर्सन मुझे हाँ, आंसू बहाते हुए दिख रहे हैं रोते हुए दिख रहे हैं उन्हें बहुत बुरा लगने वाला है कि उन्होंने आपके साथ आखिर ऐसा क्यों किया रिग्रेट पछतावा मुझे हैवी दिख रहा है यहाँ पे <coughs> तो क्या करना चाहेंगे प्रैक्टिकल सोचना चाहेंगे लेकिन इमोशनल हो जाएंगे तो इनका प्लान वर्कआउट नहीं करेगा मुझे अभी भी, भी लगता है काफ़ी लोगों के लिए कि ये पर्सन अगले ही तीन दिनों में कोई सॉलिड कमिटमेंट आपको नहीं देने वाले हैं ठीक है ये मैं आपको एकदम सच्ची बात बता रही हूँ यहाँ पे ऐसा नहीं कि आगे भी कभी नहीं देंगे बट नेक्स्ट तीन दिनों की बात कर रही हूँ कोई सॉलिड कमिटमेंट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इनसे तो यू विल हर्ट योर आपको बुरा लगेगा क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ठीक है हाँ बातचीत हो सकती है आउट ऑफ नवेयर इनका कॉल आ सकता है ये मिलने आ सकते हैं कोई सरप्राइज प्लान कर सकते हैं <coughs> लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि अगले तीन दिनों में मुझे इनकी तरफ से कोई सॉलिड ऑफर आएगा नहीं कोई कमिटमेंट मिलेगी नहीं ठीक है <coughs> क्योंकि वो रेडी नहीं है अभी सॉलिड कमिटमेंट के लिए लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप सोच रहे हो मूव ऑन होना है मुझे इस पर्सन के साथ नहीं रहना है बहुत ज़्यादा वेट कर लिया बहुत ज़्यादा परेशान हो लिया इस पर्सन के लिए अब ने अब और नहीं तो मुझे लगता है कि आप गलत सोच रहे हो आपको वेट करना चाहिए इस पर्सन का क्योंकि दे आर गोइंग टू कम बैक टू यू ठीक है काफ़ी लोगों का अगले तीन दिनों में रीयूनियन होगा बातचीत शुरू हो जाएगी ये अपना पछतावा आपके सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं सॉरी बोल सकते हैं ठीक है थीके? तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनका इंतज़ार करें आप इनके लिए वेट करें <coughs> काफ़ी पैशनेट दिख रहा है बहुत पैशन मुझे इनके अंदर दिखाई दे रहा है आपको लेकर ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है सेक्शुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इस पर्सन का एक इनके अंदर वो होता है ना किसी के अंदर वो पागलपन मुझे इसे पाकर रहना है मुझे ये चाहिए अपने ज़िंदगी में वो उस तरह का पागलपन मुझे इनके अंदर नेक्स्ट थ्री डेज दिखाई दे रहा है <coughs> काफी लोगों के बीच में मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है ठीक है कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है मुझे अब ये उनका कोई कार्मिक पार्टनर हो सकता है ठीक है मुझे लगता है ये पर्सन कुछ क्लैरिटी देने वाले हैं अगले तीन दिनों में मतलब अगर कोई बात थी जिसके सवाल जिसका जवाब आपको नहीं दिया था इस पर्सन ने फाइनली वो जवाब आपको ये पर्सन दे देंगे ठीक है कुछ क्लैरिफिकेशन होने वाले हैं कुछ सच्चाई सामने आने वाली है ठीक है तो चीज़ें आप दोनों के बीच में ट्रांसपेरेंट हो जाएगी एकदम मतलब पारदर्शकता बढ़ जाएगी आपको समझ जाएगा कि वो क्या चाह रहे हैं और उनको समझ जाएगा कि आप क्या चाह रहे हो ठीक है मन की बात हार्ट टू तो हार्ट कम्युनिकेशन होने वाला है <coughs> देखिए मैं अभी भी देख रही हूँ कि हाँ ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर इमेजिन करते हैं कमिटमेंट देना भी चाहते हैं लेकिन नेक्स्ट तीन दिनों में नहीं देंगे ठीक है बट आगे मुझे मिलते हुए दिख रहा है आपको कमिटमेंट सो so डोंट वरी मुझे लगता है इनके कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो या कोई फैमिली मेंबर है जो इनको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं वो भी नेक्स्ट थ्री डेज में इनको इन्फ्लुएंस करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे नेगेटिवली नॉट पॉजिटिवली ठीक है कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस होते हुए दिख रहा है इनके ऊपर अगले आ, तीन दिनों में फैमिली <coughs> या फ्रेंड ये पर्सन बहुत हर्ट फील करेंगे ठीक है देखिए ये हर्ट आपके वजह से नहीं फील करेंगे इस वजह से हर्ट फील करने वाले हैं कि इन्होंने आपको दुखाया आपका दिल दुखाया आपको हर्ट किया आपको अपने से दूर किया आपके साथ ना इंसाफी हुई है ऐसा सोच सोच कर इस पर्सन को हर्ट होने वाला है मुझे ये भी लगता है कि आपके साथ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन नहीं करेंगे ठीक है अगर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही थी तो नेक्स्ट तीन दिनों में अगर आपका रियूनियन होता है तो उसके बाद देर इज़ नो नॉट गोइंग तो टू बी एनी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन ये आपके साथ स्टेबिलिटी रखेंगे लॉन्ग टर्म रहेंगे आपके साथ ठीक है <coughs> काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप अगर आ, इनसे दूर जाने के बारे में सोच रहे हो तो वैसा सोचना बंद कर दो और प्रैक्टिकली सोचो ठीक है दिस पर्सन वॉन्ट्स यू टू थिंक प्रैक्टिकली अबाउट देम इस रिश्ते के बारे में और उनके बारे में ठीक है मुझे यहाँ पे तीन दिनों में काफ़ी लोग फिजिकली यू नो टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे एक दूसरे के साथ और कुछ इंटरेक्शंस भी आप दोनों के बीच हो सकते हैं आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ फिजिकल मीटिंग्स होते हुए दिख रही है ठीक है जो बहुत पैशनेट होंगी बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग uh, होगा आपके लिए भी क्योंकि आप भी चाह रहे हो लेकिन आपने एक्सप्रेस नहीं किया है या आप अपने फीलिंग्स को दबा रहे हो लेकिन ये पर्सन उस चीज़ का ऑफर आपके सामने कर सकते हैं ठीक है या मांग कर सकती है और मुझे आप दोनों साथ में टाइम बिताते हुए दिख रहे हो <coughs> मुझे लगता तो है ये पर्सन के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसके बीच इनको नेक्स्ट थ्री डेज थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा आपके और थर्ड पार्टी के बीच में कि मैं किसको चूज़ करूं मुझे किसे चूज़ करना चाहिए मुझे किसकी तरफ जाना चाहिए सो मुझे यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन इस तरह का दिखाई दे रहा है जहाँ पे थर्ड पार्टी और आपके बीच में ये थोड़ा सा डाला यू नो कन्फ्यूजन रहेगा इनको कि मैं किसे चूज़ करूँ ठीक है मुझे ये भी लगता है कि पास्ट में इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया है इस बात का इन्हें रिग्रेट फील होने वाला है कि अब तक मैं क्यों नहीं दे पा रहा हूँ इसको कमिटमेंट बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि नेक्स्ट थ्री डेज में ही आपको कमिटमेंट दे दे ठीक है थोड़ा आपको पेशेंस इस पर्सन के साथ इस मामले में रखना पड़ेगा क्योंकि मुझे इतने जल्दी तुरंत आपको कमिटमेंट मिलते हुए इस पर्सन से नहीं दिख रहे ठीक है, है? <coughs> मुझे लगता तो है इसके पहले ना जो लोग इनको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते थे ये उसके ऊपर बेस्ड डिसीजंस लेते थे ठीक है लेकिन अब मुझे लगता है नेक्स्ट थ्री डेज में सुनेंगे सबके लेकिन करेंगे वही जो इनके मन में है और इनके मन में है आपके साथ जस्टिस करना क्योंकि फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है गलत डिसीजंस लिए हैं आपको वेट करवाया है आपको सफर करवाया है और मुझे और वो आगे नहीं होते हुए दिख रहा है ओके यस yes, ये पर्सन हर्ट होंगे और बहुत ज्यादा रोने भी वाले हैं बहुत ज्यादा हर्ट फील करेंगे ठीक है और आंसू बहाएंगे, आपको याद करेंगे पछतावा फील करेंगे आपके सामने भी एक्सप्रेस कर सकते हैं सॉरी बोल सकते हैं सो <coughs> so, ये मुझे दिख रहा है कि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन तो खत्म हो जाएगा आप दोनों के बीच में पूरी तरह से लेकिन सॉलिड कमिटमेंट भी नहीं मिलेगा ठीक है मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन आपसे ये भी कह सकते हैं अगले तीन दिनों में या फिर इन्हें ये फील होगा कि जो भी सिचुएशंस इस वक्त आप दोनों के बीच में है जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं मन मुटाव हुए हैं या जो भी सिचुएशन से गुजर रहे हो उसके पीछे जितने कसूरवार वो है उतने ही कसूरवार आप भी हो ये उन्हें बहुत स्ट्रांगली फील होने वाला है कि यार मैं गलत हूं तो तू भी है ठीक है मुझे लगता है थोड़ा सा ना अगले तीन दिनों में थोड़ा स्ट्रेस इस बात का इन्हों को इनको होने वाला है कि मैं क्या करूं उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में अब क्या करना चाहिए नेक्स्ट स्टेप क्या लेनी चाहिए यह उन्हें समझ में नहीं आएगा ठीक है थोड़ा सा उस वजह से उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी कि यार मैं क्या करूँ मैं परेशान हो गया हूँ इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है ठीक है लेकिन ये पर्सन आपका बहुत ज़्यादा वेट कर रहा है मे बी आपके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो मे बी इनकी हिम्मत ना हो रही हो रीच आउट करने की तो ये आपके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है काफ़ी लोगों के लिए बट दे वॉन्ट योर लव डेफिनेटली ये आपका प्यार चाहते हैं और आपको प्यार देना भी चाहते हैं ठीक है मुझे अब तक सिर्फ प्यार लिया है इस इंसान ने आपसे कभी आपको दिया नहीं है इन रिटर्न लेकिन नाव वो प्यार देना भी चाहते हैं ठीक है, है? <coughs> इस पर्सन को होप है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा इन्होंने होप्स नहीं खोई है आपने भले ही खो दी हो इस पर्सन ने होप्स नहीं खोई है ठीक है वो अभी भी विश्वास रखते हैं कि एवरीथिंग विल बी ओके ठीक है मुझे लगता है ये पर्सन ने बहुत ट्राई किया आपसे आगे बढ़ जाना आपको भूल जाना आपको पीछे छोड़ देना लेकिन हो नहीं पाया है ठीक है और मुझे काफी लोगों को कॉल में आते हुए दिख रहे हैं इस पर्सन के यस अगर वो आप मतलब आप उनका एक स्वभाव था कि वो मैसेज ही करते थे सिर्फ आपको तो आने वाले टाइम में मुझे कॉल्स आते हुए दिख रहे हैं इस पर्सन की तरफ से ओके नेक्स्ट थ्री डेज में सो ब्यूटीफुल रीडिंग है गाइस, कुछ इनिशियल और नंबर्स मुझे जो यहाँ पे दिख रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ मुझे यहाँ पे सी दिखाई दे रहा है मुझे डी दिखाई दे रहा है आर दिखाई दे रहा है वी दिखाई दे रहा है ए दिखाई दे रहा है के दिखाई दे रहा है यू है ओ है एफ है एल है टी है आई है पी है Yes इतना ही है और जी भी है जी ओके और Y है और यहाँ पे नंबर्स है वन टू फोर Six, nine, seven, ओके okay. सो so, इसमें से आपके पर्सन का बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है गाइज़ इसके पहले जस्ट पहले मैंने एक वीडियो डाला है सेल्फ लव के ऊपर ज़रूर देखिएगा उसका जो लिंक है मैं पहले कमेंट में प्रोवाइड करूँगी उस पर क्लिक करोगे तो आप पहुँच जाओगे इंस्टाग्राम पे अभी भी बहुत लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया है देखिए गाइज़ मैं वहाँ पर बहुत सारे फीडबैक्स शेयर करती हूँ छोटे छोटे वीडियोज़ डालती हूँ जो आपको टाइम टू टाइम मिलेंगे तो आपको गाइडेंस मिलेगी ठीक है और फीडबैक्स लोगों के देख के आपको भी पता चलेगा कि आपको ब्रेसलेट लेना चाहिए या नहीं क्योंकि मैं आपको ऐसे कितना भी बोल दूँ आप जब तक लोगों के रिजल्ट देखोगे नहीं पढ़ोगे नहीं आपके अंदर वो मोटिवेशन नहीं मिलगी वीडियो देख रहे हैं सबको भी सबको उस ब्रेसलेट की हेल्प मिले इसीलिए मैं बार बार बता रही हूँ इंस्टाग्राम पे जाइए फीडबैक्स पढ़िए पेज में बहुत सारे फीडबैक्स मैंने लोगों के शेयर करे हैं जो वो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं ठीक है तो अगर आप पढ़ोगे तो आपको भी ब्रेसलेट लेने की इंस्पिरेशन होगी और आप ब्रेसलेट लोगे तो आपको उसका फ़ायदा भी मिलेगा ओके कमेंट्स में पूछ के कुछ नहीं होने वाला है लोग अभी भी मुझे कमेंट्स में पूछते हैं कैसे लेना है मुझे लेना है क्या करूं मैंने कितने बार बताया है कि इंस्टाग्राम पे जाइए आपको सब पता चल जाएगा ठीक है सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो वाइज अपना ख्याल रखिएगा और सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है अपने आप से प्यार करिएगा आज आपको बिल्कुल सैड नहीं होना है खुश रहिए जो भी सिचुएशन है उससे डेफिनेटली आप बाहर निकलोगे Okay, I send a lot of blessings uh, to you guys. Take care.